ना क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50%। एक व्यक्ति है जिसका वेतन में 50% की कमी होती है, बाद में 50% की वृद्धि होती है और फिर 100% की वृद्धि होती है, तो आपको बताना है कि उसे कितना हानि या फिर लाभ होता है। मान के लिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी कि एक व्यक्ति है जिसका 2 सैलरी है तो 1 घट जाता है, कितना हो जाता है, 2 से 1 हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, 50% की वृद्धि होती है, यहीं से 2 से 3 हो जाता है। इसके बाद 100% की वृद्धि होती है, 1 से कितना हो जाता है, 2। पहले उसका सैलरी कितना था, ये बिफोर का ही आफ्टर का है, 2 दुनी का 4, अब कितना हो गया, 6। बढ़ोतरी कितनी की हुई, 2 के, 2 का वृद्धि कितने पे हुई, 4 पे हुई, बटा में 4 यानी कि 25। तो पूरा ऑल ओवरऑल उसकी आय में क्या होगा, 50% का लाभ होगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है।